हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। अपन यहाँ पढ़ेंगे केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अपन पढ़ रहे थे वैसे पिछले वीडियोस में, अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट का जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लेक्चर होगा अपना 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। अपन ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन पैकिंग किस तरीके से की जाती है। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं 3D पैकिंग। 3D पैकिंग में भी अपन ने एक तरह की पैकिंग पढ़ ली थी, वो थी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D पैकिंग कैसे की जाती है। और अब अपन बात कर रहे हैं कि 3D पैकिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कैसे की जाती है। यहाँ पे अपन दो तरीके की पैकिंग पढ़ेंगे। पहली पैकिंग अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। मतलब एक आपकी जो फर्स्ट लेयर थी हेक्सागोनल लेयर की, उसके ऊपर अपन सेकंड लेयर डालते हैं। और उसके बाद अपन इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बनाते हैं। तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर बनाएंगे अपन। तो ये हो जाती है 1D। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में क्या होगा कि इसके जो ये वैकेंट स्पेस है यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके ये चलो अपन ने बना दिए यहाँ पे एटम्स ये। और थर्ड लेयर जो आती है ए बी, और थर्ड जो लेयर आती है हेक्सागोन में वो जस्ट फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर आती है। मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस थोड़ा सा ये डायग्राम उल्टा सीधा हो सकता है अपने। थर्ड लेयर बिल्कुल इसके ऊपर आती है, ये कुछ इस तरीके से आती है थर्ड लेयर। तो अपने को थर्ड लेयर बनानी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। ओके ये हो जाता है अपना 2D हेक्सागोनल पैक्ड लेयर। ये हो जाती है अपनी किसमें, टू डायमेंशन। ये क्या है अभी, 2D है। टू डायमेंशन से अपने को यहाँ पे क्या करना है, थ्री डायमेंशन में ले जाना है। तो थ्री डायमेंशन में ले जाना है तो थ्री डायमेंशन का पूरा बनाना पड़ेगा अपने को। तो थ्री डायमेंशन में अगर जो सेकंड लेयर जो आती है उसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखा जाए कि इसके पास जो यहाँ पे ये इसके जो वैकेंट स्पेस रह रहे हैं, जो ट्राइंगुलर वॉइड्स रह रही हैं, उनके ऊपर एटम्स आ जाए, है ना। ऐसी ही एक और लेयर उठा के इसके ऊपर रख दी जाए ताकि इनके जो ये वॉइड्स हैं इनके ऊपर क्या आ जाए, एक एटम आ जाए। तो इनके ऊपर एक एटम आने के कारण क्या होगा कि वहां पे वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा और दो अलग अलग टाइप की वॉइड्स होगी, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। चलो पहले बनाते हैं यहाँ पे कि ये मैं जस्ट इसके ऊपर रख देता हूँ एक, उसके बाद मैंने इसके ऊपर रखा दो, ये इसके ऊपर तीन, चार और ये पांच। अब ये जो लेयर है इसके यहाँ पे ये एक दो थ्री फोर, है ना। अब वापस से इसी तरीके से वन टू, और इस तरीके से होगा, ठीक है। लगातार अपन सर्किल बनाते जाएंगे तो ये सर्किल जो होंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे लेयर इसके ऊपर आ जाती है एक, ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा मिक्स हो रहा है, बट इस मिक्स के बीच में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके की वॉइड बन रही है, ठीक है, और एक तरीके की वॉइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसको अपन थोड़ा सा एनलार्ज करके देख लेते हैं पास में कि यहाँ पे अपने को एक तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि ये जो तीन एटम जो नीचे वाले लेयर के हैं, मतलब जो ये ए लेयर है, सॉरी ये तो 2D वाला है, इसके जो नीचे वाली लेयर है उसके तीन एटम है और उसके ऊपर इस ऊपर वाली लेयर का क्या आ जाता है, एक एटम आ जाता है। तो ये जो यहाँ पे बनता है इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे कि ये जब इनके आप सेंटर मिलाओगे, ये इनके जब सेंटर मिलाए जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्म करते हैं जिसमें चार एटम्स यूज होंगे, तीन ये नीचे वाले, वन एटम टू थ्री एंड फोर।
ये जो वॉइड बनती है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, और यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इनका, अपन काउंट कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा एटम यहाँ पे होगा तो वो कितने एटम्स के मतलब पास में होगा, कितने एटम्स को टच करेगा। तो ये दो, ठीक है, ये तीन और ये चार, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका फोर, चारों एटम्स को टच करेगा। ये कुछ टेट्राहेड्रॉन इस तरीके से होता है, अपन 3D में देख सकते हैं ये इस तरीके से, ये एक टेट्राहेड्रॉन है और इस ये टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड के फॉर्मेशन के बाद ही क्या होता है कि इसके बीच में कोई भी छोटे कैटायंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, इसके बीच में कोई भी छोटे कैटायंस प्रेजेंट हो सकते हैं जिनकी साइज छोटी होती है। एक तो होता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि नीचे की ट्रायंगुलर वॉइड पे एक एटम आ जाता है, तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ऐसा हो कि नीचे एक आपके क्या है, यहाँ पे नीचे की लेयर में एक ट्रायंगुलर वॉइड है, ओके, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाए ये एटम और ये एटम, यहां पे अपन देखते हैं कि एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, ये एक ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन का अपन डायग्राम बना के देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन कुछ इस तरीके से होता है, ये एक तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन है जिसमें 8 फेसेस होते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन में 8 फेसेस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसका नाम है ऑक्टाहेड्रॉन या ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे हेड्रल का मतलब होता है फेस से, यहाँ पे 8 फेसेस प्रेजेंट रहते हैं, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर ओनली 6 एटम्स प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, बट नेम क्या है इसका, ऑक्टाहेड्रल है, तो अपने को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ 6 एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अगर इनके बीच में कोई भी एटम, यहाँ पे स्मॉल एटम प्रेजेंट है, तो वो 6 एटम के साथ कोऑर्डिनेशन में होगा, 6 एटम के साथ टच करेगा, या 6 एटम उसके नेबरिंग एटम के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इन दोनों वॉइड्स का फॉर्मेशन। मेन बात है ये वॉइड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, तो वॉइड वर्ड यूज करते हैं अपन एम्प्टी स्पेस के लिए, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस के लिए वॉइड वर्ड यूज होता है। और एम्प्टी स्पेस अपने को यहाँ पे एक तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में मिलता है और एक अपने को ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म में मिलता है। कैसे, या तो एक त्रिभुज जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर एक एटम आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है, तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करती है। और या फिर क्या हो कि एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरी ट्रायंगुलर वॉइड आ जाए, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करती है। अपन ने यहां पे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर देख ली है 4 और 6। अब बात ये आती है कि अगर कोई भी क्रिस्टल की आप बात करते हैं तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी है, तो वो कैसे काउंट किए जाए ना, तो ये सबसे बड़ी बात है कि काउंट कैसे किए जाए, तो कैलकुलेशन करते हैं इनकी। कैलकुलेशन वाले पार्ट में क्या होगा देखेंगे अपन कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू एन, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल को OH लिख सकते हैं और टेट्राहेड्रल को TD लिखा जा सकता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2N। अब यहां पे आप पूछेंगे सबसे पहली बात है कि N क्या है, ये यहां पे जो N है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल और क्रिस्टल, ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट होता है, या क्रिस्टल लिख सकते हैं अपन, तो सबसे छोटा पार्ट, यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसके जस्ट डबल होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और उसके नंबर के इक्वल होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जैसे अगर किसी भी यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट है, जैसे
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम प्रेजेंट है, तो एक एटम प्रेजेंट है तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? दो, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? एक। ठीक है, तो ये होती है इनका नंबर पता करना कि किसी भी यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी, कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी। तो उनको पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूले हैं इनके n और 2n। टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन टाइप्स में करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इन पे। ये मैं रफ कर रहा हूं, ओके, कि इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बेसिस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन एक दो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस का। इसमें थोड़ा क्वेश्चंस का देख लेते हैं। क्वेश्चंस की जब बात की जाती है, जैसे आपको पूछ लिया गया कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मान लो, है ना, यूनिट सेल लिखा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, अब आपको ये पूछ लिया गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब आपको कहा गया कि कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले बात की जाती है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो अपने को पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टू एटम्स होते हैं। टू एटम्स कैसे? वन बॉडी सेंटर पे, एक बॉडी सेंटर पे होता है, और 8 × 1/8 एट कॉर्नर्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात यह आती है कि यहां पे दो एटम्स हैं, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 × n होता है, n यहां पे कितना है? 2, देन आएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी यहां पे? 4 होंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, फेस सेंटर्ड में कितनी होती है और सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है, ये आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर्स इसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वापस से पूछ सकते हैं इसको, ओके। देन ये तो आ जाता है कि इसमें नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी कैसे काउंट की जाती है और क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे काउंट की जाती है और क्या होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद अपन एक थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कैसे होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले अपन टेट्राहेड्रल वॉइड्स का देख लेते हैं। अपन जस्ट एक एग्जांपल की फॉर्म में देख रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का अपन क्रिस्टल बनाएंगे और क्रिस्टल के बाद अपन उसमें देखेंगे कि कौन सी ये वॉइड कहां पर प्रेजेंट है। सबसे पहले अपन एक बड़ा सा क्रिस्टल बना लेते हैं, ओके। ठीक है, ये एक बड़ी यूनिट सेल बनाएंगे पहले, और यूनिट सेल को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यूनिट सेल को डिवाइड कर देना है। ये यूनिट सेल डिवाइड, ये देखें, ये यूनिट सेल डिवाइड हो गई 8 यूनिट सेल, मतलब 8 यूनिट सेल में देख सकते हैं अपन, एक ये रही, ये 1 नंबर, 2, 3, 4 और ये मान लो 5, 6, 7 और 8। ये जस्ट अपन काउंट करते हैं कि ये एक टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। तो सबसे पहले अपन इसको फेस सेंटर्ड बना देते हैं। फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे कॉर्नर्स हो गए, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब, ओके। इस पूरे क्रिस्टल को अपन फेस सेंटर क्यूब मान रहे हैं, एक यूनिट सेल की तरह। यूनिट सेल एक छोटा सा पोर्शन होता है, क्रिस्टल जब बनाते हैं तो पूरा पोर्शन आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिट सेल्स आ जाती है और उसके बाद फेस पे प्रेजेंट रहता है ये 1, 2, 3, 4,
थ्री फोर और ये फेस का फाइव और ये फेस का सिक्स. तो देर आर सिक्स फेसेस एंड एट कॉर्नर्स. ओके, देन बात आती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का. टेट्राहेड्रल वॉइड्स जैसे आप अगर इसका एक क्यूब लेते हैं, इसका सिर्फ इसका एक भाग लेते हैं अपन, है ना, इस क्यूब पूरे का अपन एक भाग ले रहे हैं. अपन इस पूरे क्यूब का जब एक भाग लेंगे या इसका एक क्यूब लेंगे, तो अपन इस एक क्यूब को अलग से बना लेते हैं. ये आपके एक क्यूब बन गया है अलग से, और उस क्यूब के हिसाब से अपन एटम्स अरेंज कर लेते हैं. इस क्यूब के कहां पे, यहां पे और यहां पे एटम है, एक एटम यहां पे, एक एटम यहां पे, और देन इस क्यूब के यहां पे और यहां पे एटम है, मतलब एक एटम यहां पे और एक एटम यहां पे. अब ये जो यहां पे है, तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करते हैं. किस तरीके से, जैसे अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये हो गया और ये ऊपर वाला हो गया, तो ये टोटल मिला के कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आ रहा है अपने पास. ये तीन और ये की ऊपर चार, तो ये चौथा इन तीनों से मिला हुआ है और ये तीन आपस में मिले हुए हैं. तो ये क्या हो गया, एक टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मेशन हो गया. तो यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो गई, एक इस क्यूब में, मैंने आपको एक क्यूब लेके बताया है, मतलब एक क्यूब में एक होगी. तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब है, एट क्यूब है. एट क्यूब में कितनी होगी, एट क्यूब इज इक्वल टू एट. तो देर आर एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आप देखेंगे, ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो प्रेजेंट रहती है सेंटर पे. तो सेंटर पे अपन ये देख सकते हैं कि अगर इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए, ये जो सेंटर में पॉइंट प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से अपन देख रहे हैं, अगर इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करेंगे. ये देखें, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक यहाँ और ये यहाँ, और ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो गया. मतलब एक तो वॉइड होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, जब पोजीशन देखी जाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक तो प्रेजेंट रहेगी आपके कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे. बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेगी, और उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहती है ऑन एवरी एज, ऑन एवरी एज सेंटर. मतलब जो एज एज सेंटर है, ये एज हो गई, एज के सेंटर पे प्रेजेंट रहती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहां पे. तो एज के सेंटर पे अपन टोटल एज कितनी होती है 12, और एज का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4. Then total tetrahedral voids present on age is 3. Then 1 is equal to 4. ये अपने इनको डायग्राम से निकाला है. अब अपन अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे कि FCC में एटम्स का नंबर कितना होता है, 4 एटम्स, 6 फेसेस पे और 8 कॉर्नर्स पे. टोटल उनका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो 4 एटम्स आएंगे. 4 एटम्स फॉर्मूला लगाया, n is equal to 4. 4 का मतलब octahedral voids. Octahedral voids कितनी आ रही, 4, और tetrahedral voids 2n, 4 into 2, 8 tetrahedral voids. अपन यहाँ पे उनका location पे अपन ने देख लिया है, tetrahedral voids कहाँ present है, एक तरीके से मान सकते हैं body diagonal पे. tetrahedral voids कहाँ present है, body diagonal पे. octahedral voids कहाँ कहाँ present हो सकती हैं, body center में. बॉडी सेंटर में जो ये 6 पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया, ये 4 और ये 5 और ये 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट मिलके एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और बाकी एज के सेंटर पे बना सकते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये 1, ये 2, ये यहाँ पे जाता है 3 और ये 4, और 2 एटम यहाँ पे बाहर वाली, क्योंकि एक क्रिस्टल ऐसा तो होता नहीं है कि ये सिर्फ एक बॉक्स है, ऐसे बहुत से बॉक्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, तो सभी एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहती है ऑन एवरी एज सेंटर. तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन 3 ही होता है, एक एक यूनिट सेल में मान सकते हैं अपन. तो 3 और 1 4, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप आराम से कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं. आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे की लेयर पढ़ेंगे कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर है. नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर. ओके,
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।